नैनों में हो आशा बनके, फिर क्यों बोलो नैना चल के। उसका पता मैं पूछूं किसे, जानू जिसे मैं पहचानूं जिसे, फूलों पर वो बैठा मधुकर। चंदा भी वो देख रहा है इधर, नैनों में हो आशा बनके, फिर क्यों बोलो नैना चल के। गौरी, मैं तुम्हें एक सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। तुम मेरे लक्ष्य से भली भांति परिचित हो चुकी हो। हाँ प्रभु। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे दो और स्त्रियों से विवाह करना आवश्यक है। क्या? परंतु क्यों? मैंने उसे ढूंढा है अंबर में, धरती पर, तारों में भी देखा वो रहता है। देखा है उसे पता है। वर्तमान में धरती पे तीन गोत्र वर्ग के लोग निवास करते हैं, जो कि बिना किसी कारणवश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए मैं तीनों वर्गों की एक एक स्त्रियों से विवाह करके आपसी सौहार्द का संदेश दूंगा, जो कि अनेकता में एकता का संदेश होगा। जैसे वो आपको एक बात से अवगत करा दूं, मैं आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। देवी, तुम्हारे विचार सही है, किंतु नहीं, कदापि नहीं। क्या आपको पता है मैं आपके लिए अपने प्राणों की भी बलि दे सकती हूँ? मुझे पता है। फिर क्यों बोलो नैना चल के। उसका पता मैं पूछूं किसे, जानू जिसे मैं पहचानूं जिसे, फूलों पर वो बैठा मधुकर। चंदा भी वो देख रहा है इधर।